Good morning students, today we are going to start chapter 3, synthetic fiber and plastics. Okay students, topic manufacturing of rayon. Students, जैसा कि previous video में हम लोग थोड़ा सा study कर चुके थे, इसके बारे में ये जो synthetic fibers थे, उसके बारे में हम लोगों ने discuss किया था, fibers क्या है, polymer के बारे में थोड़ा सा discussion हुआ था, कि पॉलीमर हम किसे कहते हैं, या हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो किसके बने होते हैं, फाइन थ्रेड्स के, और वो थ्रेड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने फाइबर के टाइप्स को बताया था. फाइबर जो है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल फाइबर और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल कुछ हम लोगों ने देखा था, जैसे कि नेचुरल फाइबर में कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क. सिल्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिल्क से जो क्लॉथ सबसे पहले बने थे वो कहाँ बने थे, चाइना में, और चाइना ने उसे काफ़ी दिनों तक छुपा के रखा भी था. बाद में काफ़ी लोग मतलब जान पाए कि सिल्क से क्लॉथ कैसे बनाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई थी, हमने सिल्क का मतलब ये भी देखा था कि सिल्क हमें कैसे मिलता है ना. अब नेक्स्ट हमारा सेकंड जो टाइप था फाइबर का वो था सिंथेटिक फाइबर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बताया गया था उसे सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर में, फर्स्ट था हमारा रेयॉन. रेयॉन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया था, डिस्कस किया था. अब हम लोगों को पढ़ना था रेयॉन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयॉन, रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है. तो हमने आपको ये बताया था कि रेयॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, और रेयॉन जो बनाया जाता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है, वुड पीसेस के थ्रू, वुड पल्प लिए जाते हैं. वुड पल्प के बारे में हमने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि जब हम जो वुड है उसका फाइन पीसेस, वुड के फाइन पीसेस करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, और उनके अंदर, उन पीसेस के अंदर हमें कुछ पल्प होता है, उस पल्प से हम क्या करते हैं, उसे उसमें उसको एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराते हैं, जिससे कि एक लिक्विड तैयार होता है. वो लिक्विड कैसा होता है, थोड़ा सा कंसनट्रेट फॉर्म में होगा, और बाद में उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, एक H2SO4 से भरा हुआ एक हम बीकर समझिए, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप का आपको बता रहे हैं. तो सपोज करते हैं कंटेनर में क्या लेंगे, H2SO4, और जो लिक्विड हमने वुड पीस और अल्कलाइन सॉल्यूशन को मिला के तैयार किया उसे हम सिरिंज के थ्रू इस बीकर में डालते हैं. बाद में क्या होता है, इस बीकर में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. बाद में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये इसका कलर पहले कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और बाद में यही व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं, ये बाद में इसी से फाइन रेयॉन्स के थ्रेड्स या फाइबर निकाले जाते हैं या बनाए जाते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन के यूज क्या है. ओके स्टूडेंट्स, तो रेयॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है. हमने आपको बताया था कि रेयॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, और इसका सब्स्टिट्यूट है सिल्क का. सिल्क का सब्स्टिट्यूट तैयार किया गया था, क्यों, क्योंकि सिल्क जो है वो काफी कॉस्टली होता था, है ना, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता था. तो कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में सोचा कि अगर हम सिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट तैयार कर लें जिससे कि हम सिल्क की जगह पे उसे यूज कर सकें, जो लोगों के लिए कैसा हो, थोड़ा सा एफोर्डेबल, जो लोग थोड़ा चीप हो, जिसे लोग आसानी से ले सके. तो उन्होंने क्या किया, रेयॉन को बनाया किसके, वुड पल्प के हेल्प से. रेयॉन कैसा था, सिल्क के जैसा ही, इसमें भी लस्टर था लेकिन सिल्क से चीप था, आसानी से लोग इसके बने हुए क्लॉथ्स को अफोर्ड कर सकते थे. तो यूजेस ऑफ रेयॉन में फर्स्ट आता है कि रेयॉन का यूज कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, मतलब कि जहाँ पे कपड़े बनते हैं वहां पर. रेयॉन इज ऑल्सो यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग सर्जिकल बैंडेजेस, ओके, एंड ड्रेसिंग्स. ये सेकेंड पॉइंट होगा कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी
रेयान का यूज होता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स और बैंडेजेस बनाने में। थर्ड है स्टूडेंट्स, रेयान इज मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। जब हम रेयान को वूल के साथ मिक्स कर लेते हैं तो उससे हम क्या बना सकते हैं, कारपेट। अब इस तरह से जब हमने रेयान को वूल के साथ मिक्स किया स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिला, दो फाइबर की क्वालिटी मिल गई और इससे जो भी चीज बनेगी वो और भी अच्छी बनेगी। तो रेयान को वूल के साथ मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं। ऐसे ही थर्ड जो हमारा यूज आता है उसमें हम रेयान को कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, फर्निशिंग्स बनाते हैं, जैसे कि बेडशीट, कर्टेंस, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई रेयान के यूजेस। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सिंथेटिक फाइबर होगा वो आता है नायलॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो नायलॉन इज द सिंथेटिक फाइबर मेड कंप्लीटली फ्रॉम केमिकल्स। जैसे कि हमने रेयान के बारे में आपको बताया था कि जो रेयान है वो कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर में नहीं आएगा, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि इसमें वुड पल्प या वुड पीसेस का यूज किया जाता है। हम प्योर सिंथेटिक फाइबर किसे कहेंगे, जो केमिकल का ही बना हो। तो नायलॉन जो है वो हमारा प्योर सिंथेटिक फाइबर में आता है, क्योंकि वो कंप्लीटली किसका बना होता है, केमिकल का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नायलॉन की। तो नायलॉन क्या है, ये प्योर सिंथेटिक फाइबर में आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये कंप्लीटली किसका बना होता है, केमिकल का। इट वॉज मेड इन द ईयर 1931। ओके स्टूडेंट्स, ये कब तैयार किया गया था, 1931 में। अब जो नायलॉन वर्ड है ये दो कंट्री के नाम से मिलकर बना था। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट था न्यूयॉर्क और सेकंड था लंदन। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, ओके स्टूडेंट्स, कब, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे नायलॉन के पैरासूट्स बनाए गए थे। तो ये चीजें न्यूयॉर्क और लंदन में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, तो उसी दोनों कंट्री के अकॉर्डिंग ये जो यूज हुआ, मतलब ये जो क्लॉथ बना था सिंथेटिक फाइबर से, उसका नाम ही नायलॉन रख दिया गया। जो नाई वर्ड आया NY वो लिया गया न्यूयॉर्क से, और LON जो इसका वर्ड लिया गया वो लंदन से लिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो कंट्री के जो नेम्स हैं उन्हें कंबाइन करके नायलॉन वर्ड जो है वो तैयार किया गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन, कि नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन, नायलॉन को तैयार करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नायलॉन को तैयार करने के लिए हमें वाटर, कोल और एयर, इन तीनों का क्या करा जाता है, एक रिएक्शन होता है, किसका, कोल का, वाटर का और एयर का, हाई टेम्परेचर पे ये आपस में रिएक्ट करते हैं। कोल क्या है, जिसे हम कोयला बोल सकते हैं, तो कोल, वाटर और एयर ये तीनों हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब कि इसमें कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे, जिससे कि मोल्टन नायलॉन बनता है। उस मोल्टन नायलॉन को जब हम स्पिनलेटर से निकालते हैं, स्पिनलेट्स क्या है, स्पिनलेट्स जो होते हैं वो एक कप लाइक जैसे स्ट्रक्चर हो जिनमें कि बीच में क्या हो, होल्स बने हुए हैं। तो जब हम इस मोल्टन नायलॉन को स्पिनलेट से निकालते हैं, मतलब कि ये जो कप है उसमें जो होल्स बने हुए हैं उनके अंदर डाल के निकालते हैं, तो हमें नायलॉन के फाइन फाइबर्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन के क्या यूज है। ओके स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ नायलॉन, तो नायलॉन का क्या यूज है, नायलॉन इज यूज्ड टू मेक बैटरीज ऑफ, सॉरी, नायलॉन इज यूज्ड टू मेक ब्रशेस ऑफ टूथ ब्रशेस, ओके स्टूडेंट्स, पेंट ब्रशेस एटसेट्रा। मतलब कि नायलॉन जो है वो किसमें यूज होता है, ब्रशेस के ब्रिसल्स बनाने में, जैसे टूथ ब्रश का, पेंट ब्रश का एटसेट्रा। सेकेंड यूज हमारा हो जाएगा
इट इज यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स, जैसा कि अभी हमने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज न्यूयॉर्क और लंदन में किया गया था पैराशूट्स बनाने के लिए। तो जो सेकेंड यूज हो गया इसका वो क्या हो जाएगा, इट इज यूज इन मेकिंग पैराशूट्स, फिशिंग नेट्स, टेंट्स एक्सेट्रा। मतलब टेंट बनाने में, फिशिंग नेट्स बनाने में, पैराशूट्स बनाने में इनका यूज होता है। थर्ड है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेनी वैरायटी ऑफ गारमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ गारमेंट्स सच एज स्पोर्ट्स वेयर, साड़ीज, जैकेट्स एक्सेट्रा। ओके, मतलब कई तरह के वैरायटी ऑफ गारमेंट्स को बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों का आता है पॉलिएस्टर और इसके बाद आएगा एक्रेलिक। तो आज हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर में दो स्टडी किया, रेयन और रेयन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, यूजेस ऑफ रेयन। नेक्स्ट आया हमारा नायलॉन, नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और यूजेस ऑफ नायलॉन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर स्टूडेंट्स खत्म करेंगे, जिसमें कि अब हम लोगों को पढ़ना है पॉलिएस्टर, उनके यूजेस, और नेक्स्ट आएगा एक्रेलिक, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।